इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस हाइबिटाइजेशन एज अ मेकनिजम ऑफ एवोल्यूशनरी इंटरमीडिएसी दैट एक्ट हज अ डिफिकल्टी इन द एप्लीकेशन ऑफ दायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्प्ट सो हाइबिटाइजेशन क्या है कि जो uh, जिन ऑर्गनिजम्स को या जिन पॉपुलेशन को हमने एज डिफरेंट स्पीशीज रिकोगनाइज किया है ओकेजनली अगर उनके इंडिविजुअल्स आपस में जो है उनका कॉन्टेक्ट होता है तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन जो है वो खत्म हो जाती है लेकिन ड्यूस सो मोर फ्रिक्वेंटली ज़्यादातर केसेज में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में हाइब्रिड्स की फॉर्मेशन होती है जो कि या तो स्टीराइल होते हैं या वो उनकी वायबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है तो इस इन केसेज में क्या होगा कि टेक्सोनमिक डिफ़िकल्टी कोई नहीं होगी कि मीन्स हम कहते हैं कि स्पीशीज क्या है इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स जो हैं इनकी पॉपुलेशन है ठीक है ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुल्स जो कि फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो जब फर्टाइल ऑक्सप्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो देयर इज नो एक्सोनॉमिक डिफिकल्टी सो रेयर केसेस में क्या होता है कि कंप्लीट लोकल ब्रेकडाउन हो जाता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का और हाइब्रिड स्वार्म्स बनते हैं ठीक है और कंप्लीट इंट्रोग्रेशन होता है कम्प्लीट इंट्रोग्रेशन से क्या मुराद है कि जो एक स्पीशीज है उसका जो जेनेटिक मेकअप है जीन पूल है ये क्या और ट्रांसफर हो रहा है इनटू अनदर स्पीशीज ठीक है तो इस केस में क्या होता है कि जो एक दोनों जो स्पीशीज़ हैं उनके दरमियान एक ऐसा एरिया एग्जिस्ट करता है जहाँ पे क्या है कि वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ख़त्म हो चुकी है और हाइब्रिड्स बन रहे हैं ठीक है तो जो हाइब्रिड्स हैं हम उनको एज अ पॉपुलेशन रिकगनाइज नहीं कर सकते ठीक है और कुछ केसेस में क्या होता है कि हम उन हाइब्रिड इंडिविजुअल्स को एज अ स्पीशीज़ कंसिडर कर लेते हैं और तब तक हमें जब तक हमें ये पता नहीं चलता कि ये हाइब्रिड्स हैं ठीक है तो जैसे ही हम इस चीज़ को रिकोगनाइज करते हैं कि दीज आर हाइब्रिड्स तो उनका जो अलग स्पीशीज का स्टेटस है उसको ख़त्म कर दिया जाता है ठीक है सो हाइब्रिड इंडिविजुअल्स आर नार पॉपुलेश टेक्सोनमिकली स्पीकिंग ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन कब होती है जब एक उन दो पॉपुलेशन की इंटर ब्रीडिंग से दो स्पीशीज की पॉपुलेशन की इंटर ब्रीडिंग से नई पॉपुलेशन बनने लग जाती हैं नई पॉपुलेशन का स्टेटस हम उसको कब देंगे जब वो हाइब्रिड्स जो हैं उनमें जो है वो रिप्रोडक्शन हो रही है यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी ठीक है तो ये दो केसेस में हैं जिसमें हम कहते हैं सिम्पैट्रिक हाइब्रिडाइजेशन है और एम्पीप्लॉयडी है सिम्पैट्रिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है जब दो पेरेंटल स्पीशीज़ जो हैं जेनेटिक इंटेग्रिटी उनकी मेनटेन्ड है ठीक है जेनेटिकली वो क्या है एक दूसरे से बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं It is advisable to uphold their species status even though in a portion of their ranges there is a breakdown of the isolation. ठीक है कि हम उनको as distinct species ही consider करेंगे बेशक एक specific जो geographic range है वहाँ पे reproductive isolation जो है उसका complete breakdown हो गया है। यहाँ पे हमारे पास example है two Mexican toadies की जो के हैं Papilio erythrophthalmus and Papilio okay, ठीक है तो नो टेक्सोनमिक रिकग्निशन इज गिवन टू द हाइब्रिड पॉपुलेशन ठीक है इस रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के ब्रेकडाउन से जो हाइब्रिड पॉपुलेशन बनी है हम उसको टेक्सोनिक स्टेटस नहीं देंगे तो हम वो जो हाइब्रिड पॉपुलेशन है उसको टेक्सोनमिकली रिकग्नाइज नहीं करेंगे और द ओनली पॉसिबल एक्सेप्शन इज सच अ कम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ आइसोलेशन दैट द टू पेरेंटल स्पीशीज फ्यूज इन टू अंगल न्यू स्पीशीज ठीक है टेक्सोनमिक रिकग्नीशन हम कब देंगे जब इस हद तक जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो उन दोनों स्पीशीज़ में ख़त्म हो जाए कि वो जो हाइब्रिड पॉपुलेशन है अब उन दोनों की इंटरब्रीडिंग से एक न्यू स्पीशीज़ जो है वो बनना शुरू हो जाए ठीक है तो तब हम जो है उनको एक अलग स्पीशीज़ का जो न्यू पॉपुलेशन बन रही है न्यू स्पीशीज़ बन रही है उनको तब हम एक अलग स्पीशीज़ का स्टेटस दे, देंगे नेक्स्ट है एम्फीप्लॉयडी अब uh, प्लांट्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन में लीड टू इंस्टेंटेनियस प्रोडक्शन ऑफ एन एलोपोलीफ्लॉइड एलोपोलीफ्लॉइड क्या है एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसमें दो पेरेंटल स्पीशीज से जो है क्रोमोसोम सेट्स मौजूद हों दो डिफरेंट पैरेंटल स्पीशीज से ठीक है तो ऐसे हाइब्रिड्स जो है ये यूनी पैरेंटल रिप्रोडक्शन की हेल्प से नई पॉपुलेशन जो है उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है और एक नई स्पीशीज़ के तौर पे ये क्या करते हैं एक्ट करते हैं बिहेव करते हैं रिप्रोड्यूस भी डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं ठीक है एक लॉजिकल निश में इनकी डिफरेंट है और रिसोर्स के लिए ये डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ कंपीट कर सकते हैं इंक्लूडिंग देयर पेरेंट पॉपुलेशन ठीक है तो सच स्पेशन बाई एम्फीप्लॉयडी हैज़ एवर बीन इनकनवर्टेबली इस्टेब्लिश्ड ठीक है हम हाँ, अब ये चीज़ डाउटफुल है कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स जो हैं इनमें इस तरीके से जो है वो न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन हो सकती है नहीं हो सकती बिकॉज हम जो पार्थिनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स हैं एनिलीड्स हैं टर्बलेरियन हैं ये पाए जाते हैं ठीक है लेकिन इट इज़ नॉट सर्टन दैट एनी ऑफ दिज पार्थिनोजेनेटिक लाइन्स इट्स रीजन टू हाइब्रिडाइजेशन वी डू नॉट नो कि ये ओरिजिनली जो है ये इवॉल्व कैसे हुई ठीक है ये हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू हुई या किस तरीके से हुई नेक्स्ट है सेमी स्पीशीज़ सेमी स्पीशीज जो है जियोग्राफिकल आइसोलेट्स जो हैं उनको हम इंटरमीडिएट स्टेटस देते हैं सब स्पीशीज या स्पीशीज और कुछ क्राइटेरिया के अंडर अगर हम उनको देखें तो हम उनको जो है स्पीशीज का स्टेटस दे सकते हैं लेकिन अंडर अदर क्राइटेरिया वो उस स्टेटस में फॉल नहीं कर रहे होते ठीक है तो मोस्ट कॉमनली टेक्सोन क्या करते हैं कि जिस स्पीशीज़ के साथ उनकी रिजम्बलेंस ज़्यादा होती है उनको एज दैट स्पीशीज़ कंसिडर किया जाता है ठीक है तो ये जो ओवरलैप्स uh, हैं ऐसे बॉर्डरलाइन केसेस हैं इसमें हम देखते हैं कि एवोल्यूशनरी इंटरमीडिएसी किस हद तक है ठीक है और ये चीज़ें जो हैं ये केस टू केस जो है वो वेरी कर रही होती हैं